देखिए, अंग्रेजी में कहावत है दैट वेल बिगिन इज हाफ डन. तो इतनी अच्छी प्रतिक्रिया है लोगों की, बड़ा कमाल का रिस्पांस मिल रहा है हम लोगों को टीज़र का. तो मुझे लगता है कि एक अपने आप में बहुत अच्छी शुरुआत है और आगे फिल्म भी बहुत अच्छी रहेगी बिकॉज लोगों को काफ़ी पसंद आएगी. ट्रेलर में ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको देख के वाकई आपको लगेगा कि यार ये फिल्म तो देखनी चाहिए. अदरवाइज़ आज की तारीख में मुझे लगता है कि ऑडियंस इतनी स्मार्ट है कि आप कभी भी एक टीज़र देखते हैं, फर्स्ट लुक देखते हैं, आप कहते हैं नहीं यार, बट कहीं देख के लगता ना हाँ यार इसमें कोई बात होगी. सो एवरीवन इज सेइंग दिस थिंग. तो वो रिस्पांस देख के वी आर सो हैप्पी. करेक्ट. वी आर एक्सपोज टू सो मेनी मीडियम्स. इतना एक्सपोजर है आज के ज़माने में ऑडियंस के पास, हम लोगों के पास इतने सारे मीडियम्स हैं, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं. तो लाइक ही सेड कि हम एक चीज़ देखते हैं, हम उसी वक्त डिसीजन ले लेते हैं कि देखनी है कि नहीं देखनी है. दैट इज़ हाउ वी डिसाइड सो मेनी थिंग्स इन आवर लाइव्स. तो टीज़र देख के दैट वन थिंग इज़ देयर कि इफ़ यू सी द ट्रेलर यू वुड वॉन्ट टू वॉच द मूवी एंड ट्रस्ट मी यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड. वी मेड अ गुड मूवी. इट्स वेरी इट्स डन विद लॉट ऑफ ऑनेस्टी. बहुत ईमानदारी के साथ एक फिल्म बनाई और बहुत अच्छा मुद्दा है जो हम लोगों ने उठाया है इस फिल्म से. तो होपफुली सबको अच्छी लगी. एक अलग तरीके की लैंग्वेज है जिस तरीके से हरियाणवी लैंग्वेज है, तो कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए वो लैंग्वेज को पकड़ना? देखिए, भाषा जो है वो उसका सिर्फ एक फ्लेवर, एक एसेंस है ना, एक उसका लहजा है जिस पे हम लोगों ने काम किया है. बहुत ज़्यादा उसको गूढ़ भाषा भी नहीं रखी, क्योंकि पहली बात तो हरियाणवी ऐसी कुछ है नहीं. कुछ एक शब्द कुछ एक ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्डकोर शब्द होते हैं पर्टिकुलर उस क्षेत्र के. बट मुझे लगता है कि हर जगह थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आता है. अब जैसे ये जिस क्षेत्र की कहानी है, शाहबाद करनाल हम लोगों ने जहाँ किया, वहाँ एक अलग भाषा है. आप कुरुक्षेत्र की तरफ जाओगे तो वो है. तो कहावत है बड़ी अच्छी कि कोस कोस पर बदले पानी और कोस कोस पर बदले वाणी. तो डिफरेंस हर जगह है, बट हिंदी के बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द है हमारी फिल्म की जो है. तो वो ऐसी है कि भाई जैसे बोल रहा हूँ तो बोलने को तो हिंदी बोल रहा हूँ, लेकिन बोलने का तरीका जो है वो डायलेक्ट है. एंड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टर, आपका आपके किरदार क्या रोल प्ले कर रहे हैं, आप उस हिसाब से एक भाषा को डिसाइड करते हो कि वो भाषा किस लेवल तक आपको बोलनी है. आप किसी छोटे गांव में भी जाते हो, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग स्कूल जा रहे हैं, जो कॉलेजेस जा रहे हैं, उनकी भाषा थोड़ी रिफाइंड होती है क्योंकि वो बाहर जाते हैं और बाकी लोगों से मिलते जुलते हैं. जैसे हम लोग भी अलग अलग जगह से आए हैं तो हम लोग घर में बोलते हैं वो भाषा अपनी ठेठ, लेकिन बाहर निकलते हैं तो हमारी भाषा में चेंज आता है और ये बहुत नेचुरली आता है. ऐसा नहीं कि हम सोच के कि अब मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं हिंदी में बात करूँगी, वो नेचुरली आता है. तो दैट वी रियली टुक केयर ऑफ इन द मूवी ऑल्सो कि अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर्स नीड आप कहाँ पे हो उस हिसाब से आप भाषा को ट्वीक एंड टर्न करोगे, खेलोगे उसके साथ. ओके, क्या रिएक्शन था जब इस कहानी के बारे में आप लोगों ने सुना? मैंने तो बोला था सतीश सर को, सतीश सर ने फिल्म बनाई थी अ विलन कलर स्टोरी इफ यू हैव सीन इट. सो आई प्लेड अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर. द मोमेंट ही नरेटेड मी द स्टोरी मैंने कहा सर मुझे तो करनी है. तो ही इज़ लाइक कि बट ये रीजनल फिल्म है और इस लड़की का एकदम वो है, तू तो इतनी सोफिस्टिकेटेड और ऐसी. मैंने कहा नहीं नहीं सर मुझे करना है. सो दैट वॉज माई रिएक्शन. एंड ऑनेस्टली टू अ ग्रेट एक्सटेंट आई हैव गॉन थ्रू द सेम थिंग इन माई फैमिली वेर आई हैड टू रियली फाइट फॉर स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव डन इन माई लाइफ. तो मुझे लगा दिस इज़ द करेक्ट टाइम दैट आई कैन डू दिस फिल्म एंड विच माइट ब्रिंग अबाउट अ लिटिल चेंज समवेयर. सो एंड आफ्टर द ट्रेलर आई फॉरगॉट टू शेयर, इतने सारे लोगों के मैसेजेस आए फेसबुक पे, आदमियों के जो 40s में होंगे, जिन्होंने मुझे लिखा बेटा तुम्हारा ट्रेलर देख के अब हमारा भी मन करता है अपनी बेटियों को स्कूल्स भेजें. इससे ज़्यादा इमोशनल कुछ और हो नहीं सकती है चीज़ की बाय जस्ट वॉचिंग अ ट्रेलर समवन्स थॉट प्रोसेस हैज बीन टच्ड, समवन इज थिंकिंग ऑफ समथिंग डिफरेंट. दैट वॉज द थिंग एंड आई न्यू दैट आई एम गोना डू दिस फिल्म. दैट वॉज माई रिएक्शन. मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि थिएटर भी जो है, रंगमंच जो है, रंगमंच की शुरुआत वहाँ हुई थी कि जहाँ पर आप अपने अभिनय से आप एक कहानी के माध्यम से कोई एक मैसेज देते हैं मास में, ऑडियंस में, पब्लिक में. तो अब उसकी इतनी रीच नहीं है, 50, 100, 200, 500 जितने लोग ऑडिटोरियम में या फिर किस जगह आपके पास गैदर्ड हैं वहाँ पर अगर आप लोग एक कहानी के माध्यम से किसी को कोई मैसेज देते हैं तो वो उन तक ही पहुँचती है. लेकिन जब ऐसा मीडियम है, जब सिनेमा आ चुका है और एक एंटरटेनमेंट के साथ अगर आप किसी को एक मैसेज दे सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा और कोई माध्यम, कोई मीडियम होगा कि आप अपनी बात, अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएं, लोगों को पर्टिकुलर वही कॉर्ड जो हम छूना चाहते हैं उस सुर पे लोगों का वो कनेक्ट और लोगों को किस
हर किसी को, मतलब मैं सिर्फ ये नहीं हरियाणा तक ये बात सीमित नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, वो हमारे राजस्थान की बात हो सकती है, महाराष्ट्र के कुछ और गाँव की भी बात हो सकती है कि हाँ यार कभी हमने भी सोचा था कि यार बेटा होना चाहिए। सब क्यों मैंने ऐसे बहुत सारे मेरे घर में फैमिली में मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि दो बड़ी बहन पैदा हो गई तो तीसरा फिर बेटे के लिए भी ट्राई किया जाता है, क्यों किया जाता है भाई? अरे मैं जब पैदा हुई थी तो कुछ नहीं थे यार। तो ये चीजें हैं। तो अगर आप एक कहानी जहाँ पर आप मनोरंजन के साथ साथ अगर किसी तक अपना कोई संदेश, कोई अपना मैसेज पहुँचा पाए और उसको लोग समझें, तो मुझे लगता है कि उससे अच्छा कुछ और हो सकता है। ओके, इसी के साथ में आईपीएस का किरदार कर रही हैं आप, उसके बारे में कुछ बताइए। सो एक बहुत अच्छा सवाल है। मैं जब 8th स्टैंडर्ड में थी तो आई वाज ऑलवेज दिस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वाला मेरा एटीट्यूड था। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। ठंड का मौसम होता था तो नहा के नहीं जाते थे, तो सर ने बोला कौन कौन नहा के नहीं आया है, सो आई वुड रेज माई हैंड, मैं नहीं नहा। सो आई वॉज दैट पर्सन। तो 8th स्टैंडर्ड में आई रिमेंबर इट क्लियरली, मैं डाइनिंग रूम में हम लोग सब बैठे, तो मैंने बोला ना मैं ना आईपीएस ऑफिसर बनूंगी और जितने भी गंदे लोग हैं सबको मारूंगी। सो आई वॉन्टेड टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर। 9th में आके वो चेंज हुआ, 11th 10th में वो चेंज होता गया। फिर आई गॉट टू प्ले दिस कैरेक्टर, आई कॉल माई फादर। मैंने कहा मुझे हमेशा चाहते थे ना आईएएस आईपीएस, चलो रियल में नहीं बनी, इसमें तो बनी रही हूँ। अदर देन दैट ओके, दैट इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट। वाइल वी वर शूटिंग फॉर आईपीएस ट्रेनिंग, हमने एक्चुअल में हरियाणा पुलिस अकेडमी में शूट किया है, एक्चुअल ड्रिलिंग में मैं गई थी। ऐसा नहीं था कि वो पूरा जूनियर आर्टिस्ट को खड़ा किया गया, एक स्टेज बनाया गया, नहीं नहीं, सुबह 5 बजे वाला जो उनका रनिंग होता है वहाँ पे हम गए फटफट और उनके साथ जो जो ड्रिलिंग उन्होंने की, जो जो चीज़ें, 2 दिन लगातार हमने शूट किया। एंड आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन द अकेडमी, ताकि मैं उनका आप ऑब्जर्व करते हो लड़कियाँ कैसे रह रही हैं, कहाँ से आई हैं, कैसे बातचीत करती हैं, उनके साथ आप उठ बैठ रहे हो, उनके साथ बातचीत कर रहे हो, उनके साथ पूरा ड्रिलिंग सेशन कर रहे हो, उनके साथ चाय पी रहे हो। तो वो जो एक्सपीरियंस था ना, आई एक्चुअली फेल्ट लाइक एन एक्टर। एंड आई रिमेंबर जब मैं ड्रेस पहन के और मैं घूमती रहती थी अपना वर्दी डाल के, आई वुड जस्ट वॉक अराउंड, पूरा उनका प्रिमाइस है वहाँ पे, मैं घूमती रहती थी। एवरीबडी वुड थिंक दैट आई एम एक्चुअली एन आईपीएस ऑफिसर, तो सब मुझे सैल्यूट करते थे और मैं भी सैल्यूट कर रही हूँ। और आई फेल्ट लाइक एन आईपीएस ऑफिसर, वो वर्दी का कुछ कमाल होता है, हाँ, मतलब मोमेंट यू गेट इनटू क्रिएट होता है। और फिर क्या, मतलब प्लेस भी बहुत मैटर करता है ना, पुलिस एकेडमी, वहाँ से ना जाने कितने लोग आईपीएस बन के निकले हैं, कितने लोग, तो उनकी अपनी ट्रेनिंग, वो माहौल है, आप उनको देख रहे हैं और हजारों की तादाद में। और मैन वी आर सो थैंकफुल कि इसमें हरियाणा पुलिस ने और उन्होंने काफी हमें कोऑपरेट किया, और चाहे उनके ट्रेनर्स थे, उन्होंने एक एक चीज़ पे, बिकॉज व्हेन शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट, तो मेरे भी कुछ शॉट्स होते थे साथ में, तो मैं देखता था कि कैसे बताते हैं कि नहीं सैल्यूट ऐसे करना है, नहीं चलना ऐसा है ये, एंड द बीट द फिजिकल ट्रेनिंग, बीट द जंप्स एंड ऑल दोज फिजिकल एक्टिविटीज, उसमें इतना वो परफेक्शन के साथ करते हैं कि कहीं ना कहीं कहीं एक पैसा भी कहीं ऊँच नीच हो ना, नहीं, वो परफेक्शन के लिए वो लोग मरते हैं। तो वो तो कई टाइम तक ये सोच लगे थे ये तो एक्चुअल में ट्रेनिंग के लिए आई है, मतलब वो शॉट खत्म डांट देते थे सही में, अरे ये गलत था वो, वापस, अरे सर हमारे शॉट के लिए ओके, नहीं चलो एक और करते हैं, वो किया वो परफेक्शन के साथ निकल गया। ओके, आपके किरदार के बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, देखिए किरदार विकास नाम है उस कैरेक्टर का जो मैंने प्ले किया, और विकास बड़ा प्यारा सा मासूम सा लड़का है मेरे जैसा, लेकिन विकास एक ऐसे कैरेक्टर का प्रतिनिधित्व करता है जो कि हरियाणा में हर किसी लड़के का, हर मेल का, हर पुरुष का होना चाहिए। उम्र उसमें कोई मैटर नहीं करती है, वो हो सकता है कोई टीनेजर भी हो सकता है कोई वो उम्र दराज भी हो, तो बात सिर्फ उतनी सी है कि आप समझें आपके घर में, परिवार में, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी मदर हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो आपके मित्रों कोई भी हो, एक्स वाई जी, आप उनको ज़रा सा अगर आपने किसी को सपोर्ट कर दिया तो वो किन ऊंचाइयों को छू सकती हैं, नेवर नो, बिकॉज वहाँ पे ऐसा होता ही नहीं है। अगर साथ में भी है ना, ठीक है, क्या करेगी लड़की, अगर साथ में पढ़ भी रही है, चाहे वो मास्टर्स कर रही हो, चाहे वो पीएचडी कर रही हो, अगर पीएचडी की डिग्री लेके नाम के आगे सिर्फ डॉक्टर भी लग गया तो भी क्या करेगी, बाद में तो शादी करके घर संभालेगी ना। ये लोगों की सोच है, मानसिकता है, इसको आप बदल नहीं सकते। तो विकास एक ऐसा कैरेक्टर है जो ऐसे मानसिकता वाले लोगों की राय को, उनकी सोच को बदलने की कोशिश करेगा कि यार देखो उसमें तो टैलेंट था, मैंने तो बस हल्का सा सपोर्ट ही किया ना, जब सब लोग गाली दे रहे थे तब मैं साथ में खड़ा था बस, और कहाँ से कहाँ वो कहानी घूम के कैसे जाती है और क्या लाइफ में कमाल के ट्रांजिशंस आते हैं और एक मुकाम पर आप पहुँचते हो तो फिर वो होने के बाद तो फिर सीधे खुशी के आंसू आते हैं। वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर, मतलब आई वुड से कि विकास का जो कैरेक्टर इतना सुंदर है इस फिल्म के अंदर कि पहले तो किसी को भी प्यार हो जाएगा बाय प्यार, और जो ये जो फिल्म के अंदर
होता नहीं कि एक अनकंडीशनल लव की बात करते हैं, द मोमेंट वी से लव पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट रोमांस, बट इट इज मोर देन दैट, दैट फ्रेंडशिप विच ही शेयर्ड सिंस हिज चाइल्डहुड, जो बचपन से लेके उस जब तक वो आईपीएस नहीं बनती है, कई बार वो हारने लगती है नो, समटाइम्स शी इज लाइक कहती है यार मैं से मुझसे तो नहीं हो रहा ये, मैं नहीं कर पाऊंगी. सो ही इज द वन, ही इज लाइक अ बैकबोन, ही वुड टेल हर नहीं ये आपको करना है. तो ये बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है, इनफैक्ट बहुत प्यारा कैरेक्टर है. ओके, इसी के साथ में पर्सनली अगर बात करिए तो आप लोग कितना इस फिल्म के साथ में कनेक्ट हुए, क्योंकि हमने जिस तरीके से देखा एक बाप बेटी का रिश्ता है, फिर इमोशनल भी है और बीच में मतलब अलग अलग तरीके का मतलब नोक झोंक भी हो रही है, तो पर्सनली आप लोग कितना जुड़ गए इस कैरेक्टर इस फिल्म के साथ में? फैमिली बन गई हम लोगों की तो एक्चुअली. मेरे लाइक सतीश सर तो ऑब्वियसली उनकी वजह से ये फिल्म बनी, उनकी वजह से मौका मिला. ही शोन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन अस कि हम मतलब मैं तो एकदम फ्रेश फेस, मतलब आई नोबडी नोज मी. नहीं रश्मि ने ब्रिलियंट कलर स्टोरी की थी, वो वही वही ना वो फिल्में जो मैंने इसके पहले जी कुत्ता से भी की है, बट नोबडी न्यू मी, समझो आप. फिर भी आपको एक एकदम फीमेल सेंट्रिक जहाँ पे उसके कंधे पे पूरी फिल्म चल रही है वहाँ पे आपको मौका मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ही इज फॉर मी ही मींस अ लॉट. एंड प्लस देन व्हेन वी मेट राजेश सर, ही इज सच अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग. हम लोगों को ऐसे बांध के रखा है. एंड मैं एक्चुअली मैं आई डू नॉट वॉन्ट टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस कि एक एवरी टाइम व्हेन यू गो एंड शूट समवेयर, director is obviously busy throughout his he has lot of things to do, producers have lot of things to do, everybody is doing. aapke jo co-actors hote hain na wo aapke emotional support hote hain and you need that, kyunki aap because constantly aap you're going through so many different kinds of emotions, aap constantly act. for me Aniruddh was that, he was throughout there, matlab मुझे इतनी हेल्प मिली है इन फ्रंट ऑफ द कैमरा टू कि वॉक कैसे करनी है, तू ऐसे कर, ऐसे नहीं अच्छा लगेगा. तो नहीं कह, ही इज बीइंग सो मॉडेस्ट, नो बट इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, ही वाज ऑलवेज देयर, मतलब आई न्यू दिस गाइस देयर सॉर्टेड इट, कुछ भी प्रॉब्लम एंड वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द सीन्स लाइक क्रेजी, ऐसे पागल हो गए थे. मतलब एक दौर वो आया था कि यार अब ना इस सीन के बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज बाकी एक एक सीन पे बड़ी कमाल की तैयारी की थी, यहीं से करके गए थे. बट फिर भी क्या होता है कि ऑन द स्पॉट जाके आप जगह को देखते हैं और उस माहौल को देखते हैं, फिर आप कहते हैं कि अच्छे इसको ऐसे कर लें क्या. लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं, तो उस समय आपका को एक्टर जब तक उतना कॉर्डियल ना हो, उतना दोनों का आप दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं हो, तब तक मुझे नहीं लगता कि वो सीन 100% निकल कर आएगा. तो उस चीज़ में बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला रश्मि का, एंड सो हैप्पी. और जब सीन्स हमने देखे तो मुझे लगा कि यार तो सोचा नहीं था, बड़ा अच्छा निकल कर आया. ओके, इसी के साथ में अभी हमारी सतीश जी से हमारी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि उनका होम टाउन भी वो वहीं से है जी, वो भी वहीं से, वही सब लैंग्वेज और वो सब उनका है. तो मतलब आपकी अगर बात करिए तो कुछ बताया उन्होंने आपको कि ये मेरा शहर था, यहाँ हम आते थे, जिस तरीके से उन्होंने अभी हमें पूरी. ऑनेस्टली हमारे पास इतना टाइम नहीं था. हम लोग वी शॉट द फिल्म इन 25-26 डेज. हरियाणा की बहुत सारी स्टोरी शेयर करी हुई बाद में की, जब हमने शूट कर लिया और बीच में इतना मौका ही नहीं होता था, इतना सब मतलब सुबह सुबह 5 बजे से लेके रात को 9-10 बजे तक जब आप शूट करते हैं तो उसमें देयर इज नो ब्रेक, इट्स नॉट दैट की एंड यू आर इन ऑल द सीन्स यू आर देयर. उस मूड को उस टेम्परामेंट को भी नहीं छोड़ना चाहते आप, बिकॉज यू जस्ट स्लीप विद दैट, आप उसके बारे में सोचते हैं अगले दिन, फिर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं. तो यू नो कहानी हर बार लीनियर भी नहीं शूट होती है, तो उन चीज़ों को आप हर समय जहन में अपने रखते हो तो बड़ा अच्छा लगता है. तो इतना समय नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ बड़े कमाल के एक्सपीरियंसेस रहे हैं. प्रमोशंस में हमें थोड़ा देखने को मिलेगा कि वो कहाँ से है, कुछ खाने को मिलेगा वहाँ का लोकल. और हाँ, और क्या सीखा आपने उनसे सतीश जी से? क्या सीखा? कमाल के आदमी है वो तो, एकदम इतने टैलेंटेड. इमेजिन ही इज, आई कांट, मतलब आई, ही व्हाट ऑल ही डज, ही इज अ रेडियो जॉकी, ही इज अ प्रोड्यूसर, he's an actor, he's a director, he's a writer, awesome human being. हाँ, top of that, he's a wonderful human being. So I just get very inspired. जैसे मैं I'm working behind the camera also. So you know I see him, मैंने कहा ये तो इतना कुछ कर रहे हैं, मैं why can't I or why can't anybody else? आप acting के साथ बहुत कुछ कर सकते हो ना. The moment people ask question कि you're an actor, so do you want to act or you want to produce or you want to write? You can do everything ना. Look at him, he's a living example. So he's a super human, यार. नहीं सर, मेरा तो एक्सपीरियंस, मैं तो सच बोलूँ तो जब मैं 19 साल का था तब से, पिछले 8-10 साल से मैं सतीश जी को जानता हूँ,
और बड़ा कमाल का मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा, और हमेशा से उन्होंने मुझसे वादा किया था कि यार एक बार तो तू हीरो बनेगा। तो इस फिल्म में उन्होंने अपना ये वादा निभा दिया और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि उन्हें मेरा काम पसंद आया, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा हूँ। सो मच लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस फिल्म। ओके सर, इसी के साथ में लोग कहीं ना कहीं जो ट्रेलर देखने के बाद में एक कहानी कहीं जो कहीं ना कहीं एक दंगल से भी मैच करती है, तो लोग कहीं ना कहीं उसके साथ में फिल्म को कंपेयर कर रहे हैं, सो क्या रिएक्शन है आप लोगों का, मतलब क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी कितना प्रेशर होता है जब लोग इतनी बड़ी फिल्म से आपकी फिल्म को कंपेयर करते हैं? देखिए बात तो बहुत अच्छी है, दंगल से कंपेयर तो हमारे लिए तो मंगल ही मंगल है। लोगों को शायद इसलिए लग रहा होगा क्योंकि देखिए हरियाणा है, लड़की की कहानी है, और दूसरी चीज़ स्पोर्ट्स कोटे में सिर्फ ये बात कुश्ती या बॉक्सिंग या इन तमाम चीज़ों की नहीं, हर क्षेत्र में चाहे वो तीरंदाजी हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो कोई एथलीट हो, हर चीज़ में हरियाणा की जो गर्ल्स हैं, इनफैक्ट हम लोगों ने एक सीक्वेंस जो है एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी शूट किया, वहाँ पर देखो उनका एंथ्यू। तो दंगल फिल्म से वहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनका जो बॉक्सिंग डिपार्टमेंट था उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो कहीं ना कहीं फिल्म ने काम किया है, अच्छा लगा। और हमारा जो है एक अलग मीडियम है, वो सिर्फ एक छोटा सा उसका पार्ट है जो जो एक करिकुलर एक्टिविटी में किसी भी कॉलेज में शायद होता होगा, तो इसलिए शायद सिमिलर लग रहा होगा। बट एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस इवन इन द प्रोमो, इवन इन द प्रोमो आई इट्स सरप्राइजिंग लिटिल, क्योंकि प्रोमो में ये है कि बाप बोलता है कि छोरा छोरी है, छोरा बनने की कोशिश ना कर। दंगल में बैंग ऑपोजिट है, देयर द फादर इज पुशिंग देयर हिज डॉटर्स कि ये करो, मतलब तुम छोरों से कम हो क्या, लड़ो, उनको लड़कों के जैसे ही ट्रेनिंग दी है। यहाँ पे बैंग वो पर्टिकुलर 100 में से, सॉरी टू से, मतलब मुझे लगता है कि 100 में से 5% ऐसे पिताजी होंगे जिन्होंने कहोगा कि नहीं छोरी तू लड़ेगी तू कूदेगी। एक बात कह रहा हूँ, 95% जो हैं वो वैसे ही हैं कि नहीं क्या कर लेगी। तो उन 95% जो लोग हैं उनकी सोच, उनकी मानसिकता बदलने के लिए मुझे लगता है कि ये फिल्म एक कमाल का कटाक्ष है एंटरटेनमेंट के साथ। एंड लास्टली क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस, आपके दर्शकों से? हम यही बोलेंगे कि 17 मई को छोरियां छोरों से कम नहीं होती फिल्म रिलीज़ हो रही है, प्लीज़ 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 जाइए और देखिए, आपको अच्छी लगेगी फिल्म, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूवी दैट ऑनेस्टी विल टच यू। यस, आप सब लोग फिल्म देखें 17 मई को, छोरियां छोरों से कम नहीं होती। और भाई आप लोगों से घड़ी घड़ी मेरे से रिक्वेस्ट है, कति हाथ जोड़ के एक बार आ जाओ, फिल्म देखोगे ना आप कहोगे भाई वो आके फिल्म बनाई सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।